क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। युवराज सिंह और सुरेश रैना पक्के दोस्त माने जाते रहे हैं और लंबे समय तक दोनों ने साथ में ही क्रिकेट खेला और करीब करीब एक साथ ही टीम इंडिया से बाहर भी हुए। मगर अब इस बार युवी और रैना आपस में भिड़ पड़े हैं और इस बार दोस्तों के बीच कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है बल्कि युवी और रैना के बीच हो गई है असली वाली लड़ाई और इसकी वजह है पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। तो क्या हुआ युवी और रैना के बीच, क्यों दोस्तों में बढ़ गई दरार, क्यों दोस्तों में हो गई लड़ाई, वो आपको बताते हैं, आप भी इस पर कमेंट जरूर करें। तो असल में हाल ही में युवराज सिंह ने एक इंटरव्यू में पहले कहा था कि जब वो टीम में खेलते थे तो हर कप्तान के अपने अपने फेवरेट खिलाड़ी होते थे और धोनी का फेवरेट खिलाड़ी सुरेश रैना था। युवी ने कहा कि रैना को धोनी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और यहाँ तक कि खराब फॉर्म के बावजूद भी रैना को धोनी ने लगातार खिलाया और रैना के पीछे धोनी हमेशा खड़े रहे। अब युवी ने तो बोल दिया मगर इस खुलासे के बाद आग लग गई। रैना भी सामने आई और रैना ने भी जबरदस्त जवाब दिया। रैना ने कहा कि हाँ, हर कप्तान किसी न किसी को फेवर करता है और मुझे भी धोनी ने फेवर किया क्योंकि मैं टैलेंटेड था और धोनी ने हमेशा मेरे जैसे टैलेंटेड खिलाड़ियों का ही समर्थन किया। सिर्फ बड़े नाम वालों को धोनी ने सपोर्ट नहीं किया, इतना ही नहीं रैना ने ये भी कहा कि मैं धोनी का इस बात के लिए जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे इतने मौके दिए और मुझे बेहतर प्रदर्शन के लिए हमेशा प्रेरित किया। यानी रैना ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ही कह दिया कि धोनी ने रैना का सपोर्ट किया क्योंकि सुरेश रैना टैलेंटेड थे लेकिन धोनी ने युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण को टीम से इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि वो सिर्फ बड़े नाम रह गए थे और टैलेंटेड नहीं थे। अब जो भी हो लेकिन ये लड़ाई अब काफी आगे बढ़ चुकी है और अब इंतजार युवी के जवाब का भी है क्योंकि इस बार रैना ने दोस्ती भूलकर युवी को जबरदस्त जवाब दिया है। वैसे युवी ने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ही दोस्त रैना की पोल खोली थी। अब जो भी हो इस मामले ने दो दोस्तों में दरार तो ला ही दी है। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।